वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, ऐसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए तथा बल आघूर्ण के सूत्र के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो बल आघूर्ण का सूत्र मैंने वहां पर आपको जो स्थापित करवाया था दैट वॉज टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। सबको क्लियर है हम सभी को? तो उसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो वो जो सवाल बेटा हमको दिया है उसमें कह रहा है एक चुंबक है, क्या है, और एक दंड चुंबक को 6×10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो आप मुझे बताओ ये क्या दिया है? बी का मान दिया है। क्लियर? अच्छा, उसने ये भी बोला है कि एक चुंबक को 6×10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने के लिए। अब ये लंबवत दे दिया, इसका मतलब क्या दे दिया? थीटा का मान दे दिया उसने, थीटा बराबर 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? आगे उसने बोला है कि भैया चुंबक को, फिर से बोल रहा हूं, चुंबक को 6×10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने के लिए 1.5×10⁵ न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगाना पड़ता है। समझ गए? तो कह रहा है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बताओ, क्या जानना चाहता है? चुंबकीय आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से, पूछ रहा है आपसे। साथ साथ उसने बोला है कि यदि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, कितनी हो? तो बताओ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कैसे प्रदर्शित करते हैं? 2L से। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी ध्रुवप्रबलता कितनी होगी? ध्रुवप्रबलता कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्रश्न समझ में आ गया सभी को? स्मॉल m जानना चाहता है। ये 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लूं तो 10×10⁻²⁰ मीटर। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? बताओ भैया कौन सा सूत्र लगाना आ रहा है? टाउ दे रहा है, बी दे रहा है, एम पूछ रहा है। तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। टाउ हमारे को कितना दे दिया उसने? 1.5×10⁵⁵। एम हमसे जानना चाहता है बी कितना है। 6 नीचे ही ले आऊं बी तरे में तो 6×10⁻⁴ बी नीचे आ जाएगी ना। थीटा 90 है तो साइन 90 तो एक हो गया, लिखूं 10 हटेगा तो 0 बढ़ेगा, 15×1=15, 15×4=60। बोलो भैया, तो एम बराबर आपका हो गया 1/4। 1/4 को 0.25 लिख दूं, 1/4 चौनी होती है। बोलो भैया भाग दे के बताऊं, 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, प्लस के 4 की मुलाकात प्लस के 5 से होगी, 10⁹। क्लियर? बात समझ में आ रही? माइनस नहीं आएगा, माइनस के 4 ऊपर गए प्लस के 4, और ऊपर प्लस के 5 पहले से डटे हैं। बोलो भैया, हाँ वही तो कह रहा हूं, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। पढ़ा था अपन ने? आगे उसने बोला है यदि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो ध्रुवप्रबलता बताऊं। तो हमने ये सूत्र भी बढ़ाया, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम हमारा आ गया है 0.25×10⁹। सीन क्लियर है ना सभी को? बराबर स्मॉल एम हमें निकालना है। जब 2L नीचे ले आऊं, हाँ ये 1.5×10⁵ है। ओ सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, ये -5 है बेटा, यहाँ मिस्टेक कर दी हमने, -5। कोई बात नहीं, -5, ये -4 ऊपर गए तो ये +4, तो 10⁻¹ बचा यहाँ पर, है ना, 10⁻¹। -1 खत्म करने हैं तो दशमलव को एक अंक इधर ले आओ तो 0.025 हो जाएगा, दशमलव को इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बात एक के चाहे जैसे कर लो। तो यहाँ अभी मैं फिलहाल कितना कर दूं आप लोगों के लिए, -1 कर दूं। आपको स्टेप समझ में तो आ रहे हैं ना बेटा? अच्छी बात है, हाँ मैंने ही मिस्टेक कर दी थी, वो -5 है। यहाँ तक सीन ले रहे सभी को? ×2L कितना है, कहाँ गया 2L, ये रहा 10×10⁻²। तो इसे यहाँ ले आऊं नीचे, 10×10⁻²। स्टेप क्लियर है सभी को? तो स्मॉल एम बराबर हमारा आ गया बेटा 0.25×10⁻¹, कुछ नहीं है तो 1,
आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं। माइनस टू प्लस वन, अरे ये भी हाँ माइनस वन कर लूँ यार, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुक जाओ। कितनी है ये, माइनस वन है ना। अब ठीक है बच्चों, आ जाओ यहाँ तक सीन ले रहे सभी को, कहाँ गया। माइनस टू प्लस वन, माइनस वन, माइनस वन ऊपर गए दो, प्लस वन, दस पे घात एक और दस पे घात माइनस एक, कलेजी हट गए, क्लियर है। तो केवल हमारा कितना आ गया, 0.25। 0.25 क्या, द्रुप्रबलता का मात्रक अपन ने पढ़ा है, एम्पियर इंटू मीटर। सीन क्लियर है सभी को, बता लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे को एक जो अगला सवाल दिया गया है, उस सवाल में वो मुझसे कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई है और उस चुंबकीय सुई का चुंबकीय आघूर्ण 0.048 जूल प्रति टेस्ला है और उसे 0.03 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। किसको, चुंबकीय सुई को। चुंबकीय सुई क्या, चुंबकीय होता है ना, तो उस पर बलाघूर्ण निकालना है। क्या सूत्र भैया बलाघूर्ण का, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। मेरी इच्छा ये है कि ऐसी कैलकुलेशन खुद से करो, है ना, करो फटाफट सब लोग, एक से दो मिनट का समय दिया। चलिए जिनका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया लुक एट द बोर्ड। टाउ बराबर एम 0.048, सॉरी पॉइंट जीरो फोर एट, अरे हाँ 0.048, ये एम का मान हो गया। बी कितना है, 0.03 इंटू साइन थीटा का मान 30 डिग्री है, तो टाउ बराबर 48 इंटू, या यही कर देता हूँ, एक मिनट रुको, दशमलव हटा दिया, कितनी बिंदी बढ़ा लूँ, एक दो तीन, ये दशमलव भी हटा लूँ, कितनी बिंदी बढ़ा लूँ, दो, क्लियर है। अब ठीक लग रहा है, तो ये बच्चा हमारा 48 गुणा 3 गुणा साइन 30 का मान 1/2, बोलो भैया ये 10 पे घात 3 और 10 पे घात 2, 10 पे घात 5 ऊपर ले जाऊं तो -5। सीन क्लियर है, 2 से 24 काट लूं, 48 सॉरी 2 से 48 कट गए 24 बार, बोलो भैया 2 दूनी 4 2 चौक 8, तो टाउ बराबर 24 थी 72, 24 का पाड़ा ही नहीं आया तो वो गुणा 10 पे घात -5। सीन क्लियर है सभी को, बलाघूर्ण निकाला है, मात्रक क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर। मुझे ये समझ में नहीं आया, सब समझ में आ गया, न्यूटन मीटर कैसे आ गई है, बलाघूर्ण बराबर बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और लंबवत दूरी होगी मीटर। समझ में आई बात, बता लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको जो दो प्रश्न दिए गए हैं इनका कोई रोल नहीं है, बाकी का आप डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला याद रख सकें तो याद रख लें, अच्छी बात है ना। वो यहाँ पर जो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये चुंबक है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है, चुंबक रखा हुआ है, बोलो भैया। अब वो पूछता है कई बार कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये दंड चुंबक रखा है, इसको घुमाने के लिए किया गया कार्य कितना है। तो अगर मान के चलो हमने इसे थीटा डिग्री के कोण से घुमा दिया, चुंबक को यहाँ से घुमा के यहाँ ले आए हैं, यहाँ से घुमा के यहाँ ले आए हैं, कितने डिग्री के कोण से घुमा दिया, थीटा डिग्री के कोण से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का जो सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र याद रखना, डब्ल्यू बराबर एम बी 1-cos θ, क्लियर। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक की स्थिति ऊर्जा का कोई सूत्र पूछे जो इसके बाद दिया गया आपको, उसका सूत्र होता है U बराबर -mb cos θ। ये वाला सूत्र तो आपने चैप्टर नंबर 2 में विद्युत में पढ़ा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, अगर आपको याद हो तो ये आता था U बराबर -pe cos θ, सेम वही कहानी है, क्लियर है। पी वहाँ द्विध्रुव आघूर्ण होता था तो यहाँ चुंबकीय आघूर्ण आ जाता था, ई वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। डायरेक्ट केवल फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बात समझ में आ रही है सभी को। और इसी के बाद आपको अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि एक दंड चुंबक को पिघलाने पर क्या होगा,
तो सारी चीजें गई तेल लेने। पहले मुझे बताओ, चुंबकत्व का अनुसिद्धांत बताया था, अगर किसी चुंबक के चुंबकत्व का विनाश करना चाहते हो तो क्या करोगे? गर्म करेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे, तो पिघलाए पिघले क्या करोगे? चुंबक के गर्म ही तो करोगे। तो वो यही तो पूछ रहा है, एक दंड चुंबक को पिघलाने पर क्या होगा? तो क्या होगा पिघलाने पर? चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। पढ़ लो फटाफट, ठीक है? तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।